अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति जायका अपने घर के में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए अंडे की भुज्जी की रेसिपी लाई हूँ, या भुजिया जिसे भी बोलते हैं, कोई कोई भुज्जी भी बोलते हैं, तो इसीलिए अंडे की भुजिया की रेसिपी लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले 4 अंडे लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से फोड़ लिया है और उसको हम एक फोक की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने मिला लिया है अंडों को अच्छे से। यहाँ पर लेंगे हम सबसे पहले पैन। पैन के बाद हमने करी है गैस ऑन, और गैस ऑन करते ही हम डालेंगे इसमें मक्खन। मक्खन में बनाएंगे अंडे की भुजिया तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर 2 फाइन प्याज काटे हैं, आप बड़े बड़े भी काट सकते हैं अगर, लेकिन भुजिया में बारीक बारीक प्याज अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हाँ मैंने बारीक बारीक प्याज काटे हैं। तो आप लोग भी अगर बारीक खाना चाहें तो बारीक काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करना है। और अब इसमें डालूंगी मैं 1 छोटा टमाटर, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, नमक के साथ 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच है धनिया पाउडर, तेल में मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला इसमें आप डाल के एक बार ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट लाता है और फ्लेवर भी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करा है। आप बना के ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने अंडे डाल दिए हैं, जिसको हमने फेटा था अच्छे से। अंडे को 1 मिनट तक अच्छे से सेट होने के बाद हम अंडे की भुज्जी बनाना स्टार्ट करेंगे, या अंडे को ये देखिए इस तरीके से फोड़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि अंडे के छोटे 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 टुकड़े हो सके, जो हमें भुजिया के फॉर्म में हमको तैयार मिल सके। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अंडे को फैलाते हुए तोड़ते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा बाइंड हो गया हमारा अंडा और भुजिया के फॉर्म में आ गया है। अब डालेंगे इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। अगर आपको चटपटी खानी है तो गरम मसाला तभी ऐड करिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया के साथ हम 1 से 2 मिनट तक अंडे की भुजिया को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है अंडे की भुजिया, इस तरीके से फ्राई करते हुए हमको अंडे की भुजिया तैयार करनी है। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग से पहले प्लेट में निकाल लेते हैं हम लोग अंडे की भुजिया को। ये देखिए कितने अच्छे से प्लेट में आ रही है, तो ऐसा लग रहा है बस बिना रोटी के, बिना ब्रेड के इसको बस ऐसे ही खा लिया जाए। तो यहाँ पर तैयार है अंडे की भुजिया। आप इसे घर में इस स्टाइल में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आई होप पसंद आएगी आपको। पसंद आए तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगली बार मैं फिर से आऊँगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।